ये नंदनी एंटरप्रेन्योर की इलेक्ट्रिक पाइप थ्रेडिंग मशीन है। अभी हम लोगों ने जो थ्रेडिंग किया था पहले वो MS पाइप के ऊपर किया था 3 इंची, अभी हम GI पाइप के ऊपर थ्रेडिंग आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली सब कुछ इसमें सेट है। ये कटिंग के लिए कटिंग हैंडल होता है, ये डायल असेंबली है जो कि थ्रेडिंग के लिए होती है, और ये रैमलिंग है जो कि पाइप को रैमलिंग करने के लिए होता है। इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, स्लो एंड फास्ट। अगर आपको थ्रेडिंग 1/2 to 2 इंची करनी है स्मॉल पाइप पर, स्मॉल डायल असेंबली लगाकर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इसके अंदर स्मॉल डायहेड असेंबली आती है वो ये स्मॉल डायहेड असेंबली है, और ये 2.5 से 4 इंची की बिग डायहेड असेंबली है। और इसके अंदर जब हमें थ्रेडिंग करना होता है तो 1/2 to 2 इंची में हम इसे फास्ट पर सेट करते हैं, और 2.5 से 4 इंची के लिए हम इसे स्लो पर सेट करते हैं। अभी हमने इसे स्लो पर सेट किया क्योंकि हम आपको GI पाइप पर थ्रेडिंग दिखाएंगे जो कि 3 इंची का है, 3 इंची 80 mm GI पाइप। सेट कीजिए, ये लॉन्ग लेंथ है, लंबा पाइप है, हम इसे बैक साइड से डालेंगे और फ्रंट हैमर चेक बॉडी से इसको टाइट करेंगे। हैमर चेक प्लेट है जिसको मूव करके हम इसे टाइट करेंगे। कटिंग हमने काफी वीडियोस दिखाई हैं, तो अभी हम इसमें सिर्फ आपको थ्रेडिंग दिखाएंगे और बैक साइड से भी रियर हैमर चेक बॉडी की सहायता से उसे टाइट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है डाउन करते ही डायल असेंबली, तो ये लॉक है। अभी हम आपको इसमें थ्रेडिंग करके दिखाएंगे। ऑयल सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली होता है। हैंडल को छोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिकली कटआउट हो जाएगा थ्रेडिंग बनने के बाद। आप कितना भी लंबा इसमें थ्रेडिंग सेट कर सकते हैं, ये लेंथ चेंज असेंबली है, यहाँ से आप इसमें थ्रेडिंग सेट कर सकते हैं। हर साइजेस इसके अंदर मेंशन है, ये देख सकते हैं आप। डाउन हो गया, यानी कि थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थ्रेडिंग डीप नहीं है तो आप एक बार और इसको सेम डायहेड असेंबली को चला सकते हैं। लूज टाइट डेप्थ भी की जा सकती है इसमें, रीथ्रेडिंग भी की जा सकती है, लूज भी किया जा सकता है। अब हमें थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो हम थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ ज़्यादा इसमें सेट कर लेंगे। अगेन हम स्टार्ट कर लेंगे इसको। हमें कई बार 2 टाइम्स में थ्रेडिंग इसलिए करना होता है क्योंकि पाइप की थिकनेस होती है और ये हैवी पाइप है, क्योंकि फिटिंग तो सब सेम ही होती हैं, लेकिन जो आपका पाइप का थिकनेस है वो अलग अलग होता है हर क्लास के अकॉर्डिंग, ABC के क्लास के अकॉर्डिंग। तो आप सेकेंड टाइम में भी री थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, इसमें री थ्रेडिंग भी इजीली होता है। जब आप री थ्रेडिंग करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ही कम लगेगा, जल्दी री थ्रेडिंग हो जाता है। जैसे बोरवेल के पाइप्स वगैरह होते हैं, जंग लगे हुए थ्रेडिंग पाइप्स होते हैं, GI पाइप्स होते हैं, उनके ऊपर में थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऑलरेडी थ्रेडेड हैं आप, उसके ऊपर दोबारा थ्रेडिंग कर सकते हैं। ये मशीन बोरवेल के पाइप में भी थ्रेडिंग के लिए यूज होती है। थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे जो थ्रेडिंग की डेप्थ है वो बहुत ही क्लियर है। ऑफ कर दीजिए, ये आप देखेंगे सर।